थोड़ा सा हिस्ट्री की जो स्लाइड है उसको हम सीखेंगे, क्योंकि वो जो मैसेज वाली है वो तो आसान है, उस पर इतना इशू नहीं है। पहले इसको हम बनाना सीखें कि ये किस तरीके से जो है वो इसको हमने डिज़ाइन किया है, ठीक है। और इसकी एनिमेशन पेन पे भी आकर मैं आपको सिर्फ इसकी एनिमेशन दिखा देता हूँ कि कैसी जो है वो एनिमेशन हमने रखी है। देख रहे हैं, हर चीज़ की एनिमेशन अलग। ये देखें, ये सारी एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई हुई हैं। कोई इशू नहीं है, इतना इतना बड़ा कोई काम नहीं है, इतनी बड़ी कोई जो है वो ये मुश्किल चीज़ नहीं है। थोड़ा सा जो है वो इसको हम सीखने की तरफ अभी जाएंगे। यहाँ से मैं जो है वो एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं जाऊँगा इंसर्ट में, और रह ये गई थी कि मैंने शेप ली, ठीक है, क्योंकि मुझे जो शेप चाहिए वो एक साइड से राउंडेड हो। कितनी साइड से? एक साइड से राउंडेड हो नीचे से, बाकी ऊपर से शेप मुझे बगैर राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए। तो उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, एक राउंडेड रेक्टेंगल लेकर मैं इसका ऊपर वाला हिस्सा रख के पहले इसको सिलेक्ट कर लूँगा, फिर इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये कि ये यहाँ से तो कोने कटे हुए हैं, लेकिन यहाँ से कोने कटे हुए नहीं हैं, ठीक है। अब दोबारा मैं ओवल शेप ले लूँगा। ओवल शेप लेने के बाद मैं इसको यहाँ पर ड्रा करूँगा, ठीक है। ड्रा करने के बाद मैं इसकी पोजीशन सेट करूँगा, ये बिल्कुल दरमियान में हो। अब मैं दोबारा पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, फिर कंट्रोल के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट और मर्ज करके मैं, अब ये शेप मेरे पास एक बन गई। इसकी मैं कलर अभी से चेंज कर लेता हूँ, ग्रे कलर मैंने कर दिया। लाइन मैं इसकी नो लाइन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जाकर मैं इसको शेड जो है वो दे देता हूँ। ये देखिए, ये बीच वाला शेड है जो ऊपर की तरफ आ रहा है, इसके आपने जो है वो थोड़ा सा इसको हमने रखना है 65। साइज़ हमने जो है वो 1 रख दें, काफ़ी है। ब्लर साइज़ आप इसकी रख दें टोटल 5 रख दें इसकी, ठीक है। ब्लर साइज 5 है, बाकी एंगल ठीक है, एंगल को आप ना छेड़ें। पॉइंट्स भी ठीक आ रहे हैं, पॉइंट्स को अगर एक बढ़ाते हैं तो बढ़ा दें डिस्टेंस, ठीक है। या आप इसमें एक और शेड भी रख सकते हैं, इफेक्ट सेंटर, और फिर इसकी साइज़ बढ़ानी पड़ेगी आपको। साइज़ बढ़ा के जो है वो ब्लर साइज, ट्रांसपेरेंसी, एंगल ठीक है, पॉइंट्स डिस्टेंस नहीं, ठीक है, ये इसी तरीके से है, ठीक है। और अब एक जो है वो राउंडेड रेक्टेंगल में ले लूँगा और मैं यहाँ पर इसको ड्रा करूँगा। देखें, ड्रा करने के बाद मैं इसको बिल्कुल सेटिंग पे ले आऊँगा, ऑब्जेक्ट, और इसको मैं जो है सेंड बैक कर दूँगा, ठीक है। क्या कर दूँगा? सेंड टू बैक। अब देखें, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो तैयार हो गया। इसकी मज़ीद सेटिंग आप कर लें, आगे पीछे अगर है तो ये आपका एक शेप जो है वो बन गई, ठीक है। क्या बन गया? एक शेप बन गई। अब मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सबको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी, मैंने यही सेम शेप इस तरीके से बना दी, फिर कंट्रोल डी किया, फिर कंट्रोल डी किया। जितनी आपने शेप्स लेनी है उतनी आप ले सकते हैं, ठीक है।
अब सिर्फ आपने करना क्या है, ये जो ऊपर वाला शेड है इसका आप कलर चेंज करते जाएं। इसको मैंने रेड कर दिया, इसको मैंने पिंक कर दिया, इसको मैंने कर दिया जी ब्लू। चलो ये वाला कर देते हैं, ये तो ऑलरेडी है, ग्रीन कर देते हैं। इस तरीके से आप इनके कलर्स जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चार पांच कलर आपके पास आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है टेक्स्ट बॉक्स। क्या लेना है, टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। ठीक है, आपका भी जो एयर था, मतलब जिस साल आपकी हिस्ट्री आपकी शुरू होती है, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने लिखा था 2017। ठीक है, ये 2017 लिखकर मैं इसके जो है वो ऊपर आ गया। मैं ठीक है या थोड़ा सा बड़ा कर दूं, देख लें ताकि आप। ठीक है, इसको मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ, वाइट कलर कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको गोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसी का ही एक और ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ। कंट्रोल के साथ पकड़ के मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ जी 1। ये 2017 जो है मेरा पहला ईयर था। और अब मैं इसकी साइज़ वगैरह बढ़ा भी सकता हूँ यहाँ से, ये देखें 1 की साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद मैं इसको यहाँ सेंटर में रखूँगा। 2017 की भी थोड़ी सी साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं, ये देखें इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। अब यहाँ पर एक और मैं इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स करूँगा, यहाँ आ जाएगी हेडिंग। ठीक है, अच्छा यहाँ आ जाएगी हेडिंग। और देखें ये हेडिंग का जो कलर है ये आपने ऊपर वाला जो कलर आ रहा है इसके साथ आपने मैच कराना है। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ से आप चले जाएं और ये कलर मेरे पास सेलेक्टेड हैं, इनको आप ले लें। शेड अगर आप देते हैं, नहीं देते हैं, कोई इशू नहीं है, ये इसके साथ कलर इसने मैच कर दिया। ठीक है, अब आप अगर कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो आप एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लें, इसी को कॉपी कर लें, कंट्रोल पकड़ के ये कॉपी कर लेगा और यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं हेडिंग फर्स्ट ईयर ऑफ स्टार्टिंग। ठीक है, जस्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया। और इसका आप जो कलर रखेंगे वो हम रखेंगे ब्लैक। ठीक है, इसको हम सेंटर में कर देंगे यहाँ पे और यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा बिल्कुल लाइन पे। अब देखिए मैंने एक चीज़ और इसमें रखनी है, यहाँ पर एक जो है वो आइडिया टाइप का बल्ब जैसे मैंने रखा हुआ था, तो ये चीज़ें आपको वेबसाइट से मिलती हैं या गूगल में जाकर आप सर्च कर सकते हैं आइकॉन्स। एक जब आप लिखेंगे नाउन प्रोजेक्ट आइकॉन्स, उसमें भी आपको आइकॉन्स मिलते हैं, या आप वैसे कोई आइकॉन सर्च करने जाते हैं तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं। मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट पिक्चर डिवाइस में चला गया और यहाँ से ये मैंने रखी हुई हैं प्रेजेंटेशन के अंदर ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने बनाई थी तो ये सारा मवाद उसमें मुझे डालना पड़ा। ठीक है, मेरा पहला रेड है तो कोशिश करूँगा मैं जीपेग फाइल नहीं लूँगा बल्कि जिप फाइल लूँगा, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए इसका। ये देखें ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं इसको यहाँ पर सेट कर दूँगा। सेट करने के बाद मैं इसकी साइज़ सेट कर लेता हूँ, इसके एंगल को सेट कर लेता हूँ। ठीक है, एंगल सेट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर रख दूँगा। अब
सबसे पहले हमने तमाम चीज़ों का डेटा बनाना है। अब जब एक चीज़ बन गई तो बाकी चीज़ों के लिए आपको इतनी टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? आप इन्हीं चीज़ों को कॉपी करें और डेटा यहाँ से मैंने कंट्रोल पकड़ा, ठीक है, क्लिक पकड़कर यहाँ पे मैं ले आया। ठीक है, ये एक एक ऑब्जेक्ट जो है वो आप इस तरीके से डायरेक्टली जो है वो कॉपी करके ला सकते हैं यहाँ पर। जब ऑब्जेक्ट सारे आ जाएंगे तो फिर आप इनका आराम से डेटा जो है वो चेंज कर दें। समझ में आ रही हैं चीज़ें? पक्का आ रही हैं? इसको ना करें क्योंकि इसका ऑलरेडी, क्योंकि इमेज है, इसके ऊपर कलर चेंज नहीं होगा। अब यहाँ से आप सिंपल जो है वो सिर्फ 17 को 18 कर दें और इसको आप 2 कर दें। हेडिंग वही रहेगी, हेडिंग का सिर्फ कलर चेंज होगा। ठीक है, क्या चेंज होगा? कलर चेंज होगा। ये देखें, कलर मैंने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के साथ कर दिया, यहाँ फर्स्ट के बजाय मैं कर दूंगा सेकंड ईयर। ठीक है जी, सेकंड ईयर ऑफ, अब सेकंड ईयर स्टार्टिंग का नहीं होता, कुछ और लिख देते हैं, ग्रोइंग कर देते हैं। ठीक है, और अब इसका जो ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, जो मैंने ये रखा है, मैं इंसर्ट पे जाऊंगा दोबारा, पिक्चर्स, और यहाँ से जाके मैं ये पिंक वाला ले लेता हूँ, जिप फाइल में इंसर्ट, ये आ गया और यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया। एंगल सेट करूँगा, एंगल सेट करने के बाद मैं इसकी साइज़ छोटी कर दूँगा, उसकी साइज़ के बराबर, और बीच में इसके रख दूँगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं इनको दोबारा कॉपी करूँगा, क्योंकि पहले चीज़ कंप्लीट बन जाएगी, उसके बाद फिर आप इसको एनिमेशन देंगे। ये काम थोड़े से मेहनत तलब होते हैं, कभी कभार बंदा थक भी जाता है कि यार छोड़ो यार नहीं करते, लेकिन करेंगे तो सीखेंगे चीज़ को और आगे आपके ये बड़ा काम देगी आपको। जब आपको किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन देनी होगी, किसी चीज़ को दिखाना होगा, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, मैंने 19 कर दिया इसको, इसको मैंने 3 कर दिया। ठीक है, हेडिंग का कलर मैं चेंज कर दूंगा, हेडिंग कलर चेंज हो गया, थर्ड ईयर हो गया, थर्ड ईयर ऑफ, इसको भी चलो ग्रोइंग ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है, वही सेम लोगो। अब देखते हैं कि हमारे पास इस कलर का लोगो है या नहीं है इसका, आई थिंक नहीं है। चलें, ये एक है, ये ग्रीनिश है, लेकिन ये मेरे ख्याल में, हाँ ये, चलें इसको रख लेते हैं, ये नहीं, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद मैं देखता हूँ कोई इसका जिप फाइल में ले लेंगे, हाँ ये जिप फाइल है, एंगल मैंने सेट कर दिया, साइज मैंने कम कर दी, ठीक है। इसका ये कि यहाँ पे अगर मुझे कलर मिल जाता है तो मैं इसको कलर कर भी सकता हूँ। ये देखें, मैंने इसका कलर थोड़ा सा यहाँ से भी कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ और कोशिश की है इसको मैच कराने की, जितना होगा तकरीबन मैच हो जाएगा। ठीक है जी, इन टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करने का आसान तरीका है कि आप इनके ऊपर माउस ले जाओगे, ठीक है,
माउस ले जाने के बाद कंट्रोल का बटन प्रेस करोगे और फिर क्लिक पकड़कर आप इनको यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है कि आप आसानी से इनको जो है वो कॉपी कर लोगे और चीज़ें आपकी सेम रहेंगी, इसमें कोई आगे पीछे, अगर अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स लेते रहेंगे तो फिर ये होगा कि चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी और आप परेशान हो जाएंगे करने में। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये जी स्लाइड नहीं आ रही, क्या आ रहा है? ऊपर वाली? हाँ मसला नहीं है, स्लाइड आ जाएगी, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है इसका। तो देखें कलर हम चेंज कर देंगे, फोर्थ ईयर, ठीक है। अब इस कलर का लोगो देखें हमारे पास है, येलो तो है लेकिन थोड़ा सा लाइट है। चलें इसको ले लेते हैं, फिर कलर सेट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ये मैंने यहाँ पर रख दिया, ये मैंने इसकी जो वो चीज़ें चेंज कर ली, साइज़ ठीक है बराबर कर दी, कलर मैंने थोड़ा सा मैच करा दिया, कोशिश की है। ठीक है जी, चलें इसको हम छोड़ देते हैं, यही काफ़ी है आप लोगों के लिए। देखिए ये चार ऑब्जेक्ट हमारे पास बन गए विद, हाँ ये फोर हो गया। ठीक है, ठीक है जी, ये चार ऑब्जेक्ट्स आपके पास बन गए। अब हमने इनकी बनानी है एनिमेशन, क्या बनानी है? एनिमेशन। अब ये चीज़ें आपने जो गौर से देखी, या तो आप पहले इनकी प्रैक्टिस करें या हम एनिमेशन भी लगा दें इसमें, लगा दें एनिमेशन, समझ में आएंगी। चलें लगा देते हैं एनिमेशन। देखें सबसे पहले मैंने पहली जो हमारी ऑब्जेक्ट था जो हमने तैयार किया था शेप, उस पर मैं गया, इसको मैं बंद कर दूंगा फॉर्मेट शेप को, और यहाँ से मैं एनिमेशन में जाऊंगा, एनिमेशन पेन ऑन कर लूंगा। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से एनिमेशन एक ले लूँगा, फ्लोएट इन, कौन सी फ्लोएट इन की मैं एनिमेशन ले लूँगा, या आप फ्लाई इन की भी ले सकते हैं, आप फ्लाई इन की ले लें। ठीक है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको हम कर देते हैं फ्लोएट इन। ठीक है, अब हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है, इन सबको हमने एक ही जो है वो एनिमेशन देनी है, बेसिक जूम नंबर वन को भी, बल्कि नहीं, एक चीज़ और आप लोगों को समझा दूँ। पहली जो मैंने एनिमेशन दी, ठीक है, पहली एनिमेशन को मैं यहाँ से चेक करता हूँ, ये आ रही है ऐसे। ठीक है, उसके बाद मैंने इसकी यहाँ से ड्यूरेशन सेट करनी है, इसको मैंने करना है 75। ठीक है, अब ये थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। अब जो दूसरी मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं दूंगा फ्लोट इन। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से ड्यूरेशन क्या करूँगा, सबसे पहले स्टार्ट है, स्टार्ट कर दूंगा आफ्टर प्रीवियस, क्या आफ्टर प्रीवियस ड्यूरेशन 1 मिनट। ठीक है, डिले 25। ठीक है, अब ये आपकी एनिमेशन एक प्रॉपर वे में काम करेगी। ठीक है, अब जो मैं दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लूँगा, उसको भी मैं सेम, जब यहाँ से जूम की मैंने जो है वो दे दी इसको, और यहाँ पर मैंने इसको आफ्टर प्रीवियस कर दिया, यहाँ से 75 और डिले 25। ठीक है,
ये चीज़ें आप नोट करना कि ये मैं टाइमिंग इसको जो दे रहा हूँ, ये सारा टाइमिंग का कमाल है इसका। जब आपकी एनिमेशन एक अच्छी तरीके से चलती है तो उसमें टाइम देना मस्ट होता है कि कौन सी आफ्टर प्रीवियस 75 ड्यूरेशन और डिले, ठीक है। इसी तरीके से हेडिंग आ गई। सिर्फ मैं दो ही एनिमेशन पे अभी तक मैंने काम, तीन पे सॉरी, एक फ्लाइट इन, फ्लाई इन, एक फ्लोइड इन और तीसरी है आपकी जूम पे। क्योंकि हर स्लाइड में अगर हर चीज़ आप डाल देंगे तो वो स्लाइड मज़ा नहीं करेगी, ठीक है। आप लोगों को आसान से आसान तरीका बताता जाऊंगा कि जिससे आपका टाइम के भी बचत हो और जो है वो आप चीज़ को प्रॉपर तरीके से सीख भी सकें, ठीक है। देखिए हमने ये एक ऑब्जेक्ट की फ़िलहाल हमने एनिमेशन बनाई है इस तरीके से, नज़र आ रही है, ठीक है। अब हमने करना है क्या है, जिस तरीके से हमने टेक्स्ट कॉपी किया था, जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्सेस कॉपी किए थे, इसी तरीके से हम एनिमेशन कॉपी करेंगे। हमें हर एक को बार बार एनिमेशन जाकर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने इस पर ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर आपकी एक चीज़ नज़र आ रही है, एनिमेशन पेंटर, क्या नज़र आ रहा है, एनिमेशन पेंटर। मैंने इस पर क्लिक किया और इस वाले ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दिया, देखे एनिमेशन आ गई इसके ऊपर, ठीक है। अब इसकी एनिमेशन मैं सेट कर देता हूँ यहाँ से आफ्टर प्रीवियस, क्योंकि उनके बाद ही इसने चलना है, तो इसलिए मैं इसकी ड्यूरेशन और डिले टाइम सेट कर देता हूँ। बाकी मैं फिर मैं इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा, एनिमेशन पेंटर, और यहाँ मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। मैंने टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया, एनिमेशन पेंटर, और मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसी तरीके से सिर्फ आप क्लिक करते जाएँ और एनिमेशन पेंटर से आप इसको कॉपी करते और यहाँ पर पेस्ट करते जाएँ। बिल्कुल ही आसान तरीका है, आपको कोई झंझट नहीं होगी। याद है हमने वर्ड में पढ़ा था फॉर्मेट पेंटर, ये वही काम कर रहा है। इसमें भी फॉर्मेट पेंटर है, लेकिन ये हमारा एनिमेशन पेंटर है जो एनिमेशन को कॉपी करके आपके दूसरे ऑब्जेक्ट में ला रहा है, ठीक है। अब देखें हमारे दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो एनिमेटेड हो गए। हम चेक कर लेते हैं इसको कि एनिमेशन कैसी आ रही है हमारी, बराबर आ रही है या कोई इसमें मसला तो नहीं है। देखें सेम चीज़, पहली जो एनिमेशन थी वो उसको सेटिंग करनी है, उसके बाद आप एनिमेशन पेंटर से कर सकते हैं। लेकिन डिले और ड्यूरेशन का फिर भी ख्याल रखिएगा, कभी कभार ये कॉपी नहीं भी हो पाते या हम यहाँ पर वो चीज़ अप्लाई नहीं की होती, आगे चली जाती है तो फिर आपके लिए मसला हो जाता है। किस किस को समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है समझ में? यस सर। चलें देखिए, चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है जितना हम उनको समझते हैं। शर्त यह है कि आपको उसका सीक्वेंस आना चाहिए कि मैंने कैसे करना है, कौन सी चीज़ पहले रखनी है, कौन सी चीज़ बाद में रखनी है। आप एक प्रोफेशनल जो है वो प्रेजेंटेशन तभी बना सकते हैं जब आप चीज़ों को मैनेज करना सीख लेंगे कि कैसे हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। और आप यकीन करें, ये जो आपको ग्राफिकली काम मैंने बताया, ये लोग इनके लिए बड़े बड़े ग्राफिक सॉफ्टवेयर ढूंढते फिरते हैं कि यार ये कैसे ऑब्जेक्ट बनाएं, क्या होगा, जबकि आपको यहीं ऑफिस में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये हर चीज़ जब आप एनिमेशन पेंटर पे देख रहे हैं तो आपको वो दिखा भी रहा है कि इस तरीके से आपकी चीज़ें जो है वो चलेंगी। एक एक चीज़ को, एक एक स्टेप को आप
बार बार देख रहे हैं कि आया कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही, या कहीं पर कोई टाइम का मसला है, या कोई एनिमेशन सही नहीं आ रही, तो आप सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करें ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करते हैं बैठ के, अब तो ये रिकॉर्ड में भी आपको मिलेंगी, तो आप एक एक स्टेप्स जो है वो देख देख कर करते जाएं, ऐसे ना हो कि बस अपनी मर्ज़ी से उठाया कर दिया। कोशिश करें जैसे चीज़ बनी हुई है वैसे ही इसको बनाएं। अब हम इसकी जो है वो स्लाइड चला देते हैं। थोड़ा सा मोबाइल को ऊपर कर लो अब, या ठीक है चलो कोई इशू नहीं, छोड़ दे छोड़ दे। देखिए मैंने एक ही बार क्लिक किया, एनिमेशन आपकी स्टार्ट हो गई और ऑब्जेक्ट आपके बनते जा रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है, बन जाएगी। इसको देखें ना, अब ये जो स्लाइड हमने बनाई है ये है हिस्ट्री की स्लाइड विद एनिमेशन। ये टीम की स्लाइड, इसको भी हम बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह। टाइमलाइन सर्विसेज, ये आपको स्लाइड बनाने में मज़ा आएगा इंशाल्लाह।